नमस्कार साथियों, मैं आज पन्ना जिला के गुनौर विकास खंड में कुलगुआ मड़ंजन पंचायत के अगस्त मुनि आश्रम के पास इलाहा गांव में हूँ, जहाँ सड़क की समस्या है। इस गांव में सड़क 1 किलोमीटर करीब कच्ची है, जिससे आने जाने में परेशानी होती है। और यहाँ अगस्त मुनि जी का आश्रम भी है, जहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और दर्शन करने के लिए। आइए मिलते हैं गांव के लोगों से और जानते हैं कि किस प्रकार की सड़क की समस्या है। सर, हमारे गांव में यहाँ आके देखिए तो दिक्कत ही दिक्कत है। बाकी हमारा दिक्कत हटाने वाला यहाँ हमें लगता है कि कोई नहीं है, इसलिए कि हमारे पुरखा, हमारे बाप हैं और आज हम भी 40 से ऊपर हैं, ठीक ना। आज तक हमारी ये तनक सी रोड नहीं बनाई बन रही है। सांसद से लेके अध्यक्ष से लेके कलेक्टर साहब सब कोई देख गए, विधायक जी देख गए, ठीक ना। और फिर भी जब देखो तो हमारी रोड, अगर ये कहूँ झला पानी बरस गया सर, तो यहाँ पैदल हिटने वाला कोई नहीं है। हम लोग यहाँ से कंधे पे साइकिल रखते हैं तो वहाँ 1-2 किलोमीटर दूर है। आप लोगों के बाल बच्चे पढ़ने के लिए बरसात में किस प्रकार से जाते हैं? अब जैसे जाते हैं तो अब हम जानते हैं कि बच्चे जानते हो हीट के जाते हैं, कीचड़ से हीट के जाते हैं, क्या करें। अब जब कोई व्यवस्था नहीं है तो वो तो जाना है, नहीं जाते हैं तो फिर कीचड़ खराब है रास्ता। अब मान के चलिए के जो लगभग 1 किलोमीटर से तो दूर है, ये है, ये है। हाँ ना, हमारे अगस्त मुनि आश्रम से वो मोड़ तक प्रयास किया है। अरे प्रयास तो अब हम क्या बता, हमारे पोरखा गुजर गए प्रयास करते करते, लेकिन आज तक नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपकी और हमें लग रहा है कि होएगा नहीं क्या। आपकी बस्ती में कितने लोग करीब? हमारे यहाँ सर ज्यादा नहीं तो 250 से ऊपर आदमी होंगे। हाँ, रहते हैं। और कौन सी समाज के लोग? हमारे यहाँ आदिवासी संख्या ज्यादा है। देखो, आषाढ़ में जब पानी गिरता है तो हम लोग छिटल छिटल जाते हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हमने इतना सुनाया अधिकारी को, लेकिन अधिकारी ने बोला कि भैया हम यहाँ के विकास करेंगे, लेकिन से बात की थी आपने? मान लो विधायक जी से। अच्छा, तो विधायक जी क्या बोल रहे थे? कहें वो हमारी अंडर पे है, हम करवा देंगे। तो अभी लो मान लो यहाँ मेन रोड नहीं बना, कच्ची जाई रह गई। कितने दिन से रोड नहीं है यहाँ पे? यहाँ रोड जो है कम से कम मान लो हमको हो गया 50 साल है, लेकिन हमने 50 साल से वो सही देखा, 50-60 बरस की हो गई। और यहाँ से किस लिए जाते हैं लोग इस रास्ते से? रास्ते से जब पानी बरसता है तो हम मान लो निंग के जाते हैं मेन रोड को, जो कंगाली खो रास्ता गई है वहाँ पे मान लो पहुँचते हैं। जहाँ से मुड़े थे ना अपन, जहाँ वो गड्ढा पड़ा था। हाँ, मान लो सिद्धनाथ रोड जो है बहुत गड़बड़ है, हमको बहुत मुसीबत पड़ा थी, इसलिए स्थान है यहाँ। यहाँ जो है सिद्धनाथ आश्रम, अगस्त मुनि आश्रम को बहुत परेशानी है पैदल में निगने में। यहाँ कितने श्रद्धालु आते हैं? और जो कि बड़े बड़े लोग बहुत लंबे से आते हैं और उनको भी बहुत परेशानी आती है, गाड़ी वाहन कहाँ ल्या में नहीं ल्या पा में। सो मान लो गाली घाट हमको अच्छी मेन रोड चाहिए, जब तो मान लो अगस्त मुनि आश्रम के यहाँ सब जनता लोग बाग आ सकें, आत्रा वाले आ सकें, गांव वाले भी अच्छे कायदे के निक सकें। बिल्हा गांव की सड़क की समस्या के बदलाव के लिए मैंने समुदाय के साथ एक मीटिंग की, आवेदन तैयार किया और वीडियो बनाया, एवं वीडियो को हम जनपद कार्यालय गुनौर में देंगे। मैं लक्कू प्रसाद पन्ना जिला से, इंडिया अनहर्ड के लिए।